हेलो वेलकम बैक, सो दिस इज योर फ्रेंड एमजी नेविगेटर। सो छुट्टी पे आया हूँ, सो सोचा था कि एक व्लॉग बनाऊँ यादगिरी के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे आपको। गोवा में हूँ, साइड से दिखाऊंगा आपको कि कैसा है गोवा, गोवा की बीचेस वगैरह। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द एंड। सो दोस्तों, मेरा ये अभी होटल मीरामार बीच के पास में है जो पणजी में लोकेटेड है, तो मैं आपको पहले मीरामार बीच दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। My friend, this is safety, you know. See, while driving also safety, and now from sunlight also safety. So you should wear all the time at Goa. That's just joking. वैसे सुबह के टाइम पे अभी धूप की वजह से ज़्यादा पब्लिक है नहीं, बाकी तो शाम को बहुत ही पब्लिक रहता है यहाँ पे मीरामार बीच। वैसे तो है यार, कोई तो लेटा हो। छोटा सा वेसल जा रहा है, देखो जूम करके दिखाता हूँ, कौन है देखते। अरे दिख रहा है ये पब्लिक भी। अरे क्या कर रहा है, गाला मार रहा है, काम करो काम। तो दोस्तों वेकेशन के टाइम पे भी आई लव सी, ये दरिया पीछा ही नहीं छोड़ता, मालूम है। यहाँ पे थोड़ा छाँव है, इधर हेलमेट निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी इधर तो कुछ खास नहीं है, ऐसे झाड़िया फुड़िया है, तो हम लोग चलते हैं सीधा डोनापोला की तरफ। तो लेट्स गो। वो सो डोनापोला पहुँच गया। यस, बहुत ही कम पब्लिक है, क्यों बताता हूँ। और उससे पहले ये जान लो कि यही जो जत्ती है जो सिंगम फर्स्ट। अजय देवगन वाला वहाँ पे शूटिंग हुआ था, वो अपना सिम्बा नहीं चलेगा इधर, ठीक है। ये तो पोपट हो गया भाई। फिर इधर से ही देख लेते डोनापोला। ये सब मार्केट है, मतलब छोटा सा लगा हुआ है तंबू जैसा। सब इधर से टी शर्ट वगैरह सब आप खरीद सकते हो। भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, डोनापोला रेस्ट्रिक्टेड था, पता नहीं, मैंने देखा हुआ है वैसे भी। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं पणजी की तरफ, मैं आपको कैसिनो की तरफ, कैसिनो शिप्स दिखाता हूँ, ठीक है। वो सो पहुँच गया मैं अभी पणजी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैसिनो का बोट है, आप शाम को वहाँ पे खेल सकते हो कैसिनो। सो बिग डैडी में आपको 3000 एंट्री फी है, उसमें से आपको 2000 कूपन मिल जाएगा जो आपको वहाँ पे खेल सकते हो कैसिनो, और 1000 का आपको खाना पीना आप समझ सकते हो, मतलब अनलिमिटेड रहता है, ड्रिंक्स वगैरह सब फ्री। और दूसरा भी है डेल्टिन रॉयल, सो उसमें भी अलग अलग प्राइस है, मतलब कोई कोई में 2500 है, कोई में 2000, सो डिपेंड है। तो और वहाँ वीकडे में थोड़ा कम है और वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा गिरता है प्राइस। सो Thank you.
मैं सोच रहा हूँ कि एक बीच बीच देख ले या तो एक हिस्टोरिक प्लेस भी देख ले, तो सोच रहा हूँ कि ओल्ड गोवा चला जाऊँ। तो देखते हैं, चलो ओल्ड गोवा सिया। चलिए देखते हैं कि इधर से कितना दूर है, गूगल से ही पूछ लेते हैं। गूगल महादेव, गूगल डिस्टेंस बिटवीन पंजिम टू ओल्ड गोवा। It's 12.4 kilometers to Bella Gol from Panji by car. 12.4 kilometer. कहाँ से एंट्री करने का? वहाँ से There's a gate over there, turn to your left side. Okay. Then but you're wanting the candle and the flowers. You can light in the Basilica of Bom Jesus. The body is over there of Saint Transavia, lying 464 years old without any chemical. Okay. After looking at church, you don't come back here again. Just walk on from the garden, see the Saint Catherine. That is one of the biggest church in Asia. And the biggest third church in Asia? Yeah. And the third one is the church of Saint Francis of Assisi. And from the church, you can go in the museum. Okay. The museum. Okay. Thank you. यही एक पुराना चर्च है गोवा का और इंडिया का भी शायद, ठीक है। और 408 साल पुरानी बॉडी है सेंट सेंट फ्रांसिस की। तो चलिए देखते हैं चर्च की तरफ। तो यहाँ पे भी काम चालू है जहाँ पे सेंट फ्रांसिस की बॉडी जो रखी हुई है। कि एक जो सेंट फ्रांसिस की जो बॉडी थी जो जिधर रखा हुआ था उधर काम चालू था, तो वहाँ पे भी बंद था, कर्टेन लगा हुआ था जो ये इस चर्च में है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे एक चर्च है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, यू कैन हैव अ लुक। एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, तो यू कैन हैव अ लुक। तो गाइस अभी मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है फिलहाल, तो मैं लंच करने जा रहा हूँ। तो यू गाइस आल्सो हैव लंच, तो मिलते हैं शाम को। मैं आपको अभी एपी, आपका नाम क्या है? साइलेंट। देखो स्टीयरिंग कर रहा है अपना एपी। जो एक छोटा सा बोट रहता है फिलहाल जो मैं अभी बैठा हूँ, वो आपको ड्रॉप करेगी ये बड़े जहाज पे, जो कैसिनो के जहाज पे। स्टेडी एस सी गोस। सो अपना बोट पहुँच गया है कैसिनो प्राइड की तरफ, अलोंग साइड हो चुका है, तो लेट्स गो। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? तो मैं अभी गोगला बीच पे हूँ। एक्चुअली दिस इज़ लोकेटेड इन दीव। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये गोवा का ब्लॉग अच्छा लगा, और मुझे अगर 300 लाइक मिल गया तो मैं 300 लाइक दीव का ब्लॉग बनाने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि 300 लाइक मुझे मिल जाए तो मैं एक और एक वीडियो बनाऊँगा दीव के ब्लॉग के ऊपर। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।